वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। मैं हाजिर रोशन इस बार लेकर आया हूं क्लास 10 2.3 पोयम द ट्विंस रिटन बाय हेनरी सैम रुकली। इस नज्म का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर दोस्तों, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी ये जो पोयम है 2.3 द ट्विंस, इसका मतलब है जुड़वा बच्चे या हमशक्ल बच्चे। ये दो जुड़वा भाइयों की एक मजाहिया नज्म है जिसमें उन दोनों के जुड़वा होने की वजह से उनकी जिंदगी में होने वाली परेशानियों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़वा होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वही जो है मजाहिया अंदाज में इस नज्म के अंदर बताया गया है। और इस नज्म में जो है चार स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 8-8 लाइन है। हम जो है 4-4 लाइंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला स्टैंजा इसकी फर्स्ट 4 लाइन यहां से स्टार्ट होती है। इन द फॉर्म एंड फीचर्स फेस एंड लिम आई ग्रीव सो लाइक माय ब्रदर That folks got taking me for him and each for one another। तो पहली जो चार लाइन है इसके अंदर ये बताया है पोएट ने कि मैं बनावट में और सर से लेकर पांव तक या चेहरे में शक्ल में उंगलियों में जिस्म की हर किस्म के आजा में बिल्कुल अपने भाई की तरह दिखाई देता हूं। इसकी वजह से फोक मतलब लोग हमेशा गलतियां करते हैं, वो मुझे मेरा भाई और मेरे भाई को मैं समझ लेते हैं, मतलब हम दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए लोग अक्सर हमें पहचानने में गलतियां करते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टैंजा की चार लाइन है, इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, इट रीच अ फियरफुल पिच For one of us was born a twin, yet not a soul knew which। तो अगली चार लाइन के अंदर यह बताया गया है कि हम हमारे किन मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स जो होते हैं दोस्तों अहबाब के लिए एक पहेली है, कभी ना सुलझने वाली पहेली या कभी ना हल होने वाला सवाल है, क्योंकि हम जो है एक जैसे दिखाई देते हैं। यह मामला इसलिए खौफनाक है, यह मामला इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम दोनों ट्विंस पैदा हुए हैं, जुड़वा पैदा हुए हैं और हम दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इस तरह कि हमारी रूह भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाती है कि हम कौन हैं। यानी हमारी शक्लों की बनावट हमारे जिस्म की बनावट बिल्कुल एक जैसी है कि कोई हमें पहचान नहीं पाता है। दूसरा जो स्टैंजा स्टार्ट होता है यहां से उसकी पहली चार लाइन, वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वेयर फेज एज वी वेयर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड। इन चार लाइन के अंदर पोइट कहता है ये मामला तब खतरनाक हो गया या मामला तब खतरनाक बन गया था, यह मामला जब जो है खतरनाक या खौफनाक बन गया था जब जो है तो हमारे नाम नहीं रखे गए थे या हम जब पैदा हुए और हमारे नाम नहीं रखे गए थे उस वक्त में हालात बिगड़े थे, ये मामला बिगड़े थे क्योंकि अभी हमारे नाम नहीं रखे गए थे और नर्स हमें नहला रही थी और नहलाते नहलाते जो है तो हम दोनों आपस में पूरी तरह से मिक्स्ड हो गए, एक दूसरे में जो है तो मिक्स्ड हो गए क्योंकि हमारे नाम रखे हुए नहीं थे, फिर आपस में हम जो है तो एक दूसरे में मिक्स हो गए। अगली चार लाइन कहता है, एंड थस यू सी बाय फैक्ट्स डिक्री और रेदर नर्स विम माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिसेंट मी एंड आई गॉट क्रिसेंट हिम। तो पॉइंट कहता है कि इस बात को चाहे तुम किस्मत का फैसला समझो
या फिर नर्स की मर्जी। तुम इस चीज को जो है मुकद्दर का फैसला मान लो या नर्स की मर्जी के मेरे भाई को मेरा नाम, मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दिया गया है और मुझे मेरे भाई का नाम, क्योंकि वो दोनों आपस में मिक्स हो गए थे और उनके नाम फिक्स नहीं किए गए थे, लेकिन जब पैदा हुए तो तय किया गया था कि इसका नाम जॉन रखा जाएगा और इसका नाम हेनरी रखा जाएगा। लेकिन हुआ ये कि पोएट का नाम जॉन रखना था तो हेनरी रख दिया और जो है उसके भाई का नाम हेनरी रखना था तो जॉन रख दिया, तो हमारे नाम भी आपस में बदल गए, मामला यहां से निकले। तीसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉग्ड माई फुट स्टेप व्हेन एट स्कूल एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल। फिर शायर कहता है कि इस बदकिस्मती ने हमारा पीछा यूं ही नहीं छोड़ा, यही खत्म नहीं हुई, बल्कि जब मैंने स्कूल में पहला कदम रखा तब से जो है तो मुझे किसी ना किसी बात पे सजा मिलती, मुझे मारा, मुझे पीटा जाता, और जबकि मेरी गलती नहीं होती, गलती होती जॉन की, मतलब शरारते जॉन करता और उसकी सजा जो है मुझे मिलती, क्योंकि हम दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, तो जॉन के की सजा जो है तो मुझे भुगतनी पड़ती थी। आगे की चार लाइन में कहता है, आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरी वन आई न्यू, वॉट वुड यू डू इफ यू वेयर मी टू प्रूव डेट यू वेयर यू। इस लाइन के अंदर शायर कहता है कि मैं एक बेकार सा सवाल, मुझे मालूम है ये फजूल है, फिर भी हर किसी से पूछता रहता था कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, अपने आप को खुद साबित करने के लिए, यानी मैं हूं यह साबित करने के लिए, अगर तुम मेरी जगह होते तो किस तरह से तुम इस बात को साबित करते। ये जो है तो एक बेकार सा सवाल मैं हमेशा हर किसी से पूछता रहता था, क्योंकि मैं गलती नहीं करता फिर भी सजा पाता, और उस वक्त मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाता कि मैं जॉन नहीं हूं, तो मैं जो है तो ये एक बेकार सा सवाल सबसे पूछता रहता कि अपने आप को साबित करने के लिए तुम क्या करते थे। लास्ट स्टैंजा की पहली चार लाइन, आवर क्लोज रिसेम्ब्लेंस टर्न द टाइड ऑफ माय डोमेस्टिक लाइफ फॉर सम हाउ माय इंटेंडेड ब्राइड बिकम माय ब्रदर्स वाइफ। इन चार लाइन के अंदर पोएट कहता है कि हमारा रिसेम्ब्लेंस मतलब हम शक्ल होना, इसने हालात को तब और ज्यादा बदतर कर दिया या इसने तूफान मचा दिया मेरी घरेलू जिंदगी के अंदर, जब मेरे लिए जो दुल्हन पसंद की गई थी वो मेरे भाई की दुल्हन बन गई। जिस लड़की को मेरी वाइफ बनाने के लिए चुना गया था वो हम दोनों के हम शक्ल होने की वजह से मेरे भाई जॉन की बीवी बन गई, तब इस हम शक्ल होने ने मेरी घरेलू जिंदगी के अंदर भी जो है तो तूफान मचा दिया, हालात को बदतर कर दिया। लास्ट चार लाइन, इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन एंड व्हेन आई डाइड द नाइबर्स केम एंड ब्यूरीड द ब्रदर जॉन। इन चार लाइन के अंदर पोएट कहता है कि ये हकीकत, यानी हम दोनों जुड़वा थे और हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात साल दर साल ये इस तरह से जो है चलती रही, या हमारी जिंदगी में होने वाली ये मिस्टेक्स जो थी, ये जो फजूल की मिस्टेक्स थी, एब्सर्ड मतलब फजूल की जो मिस्टेक थी, ये साल दर साल हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर यूं ही चलती रही, और एक दिन जब मेरी मौत वाकई हुई या मैं जब मर गया तो इसने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मौत मेरी हुई, पड़ोसी आए और दफना मेरे भाई जॉन को दिया गया, मतलब मैं मरा था और मेरे बदले जो है पड़ोसियों ने मेरे भाई जॉन को ले जाकर दफना दिया, तो पैदा होने से लेकर ये जो गलतियां शुरू हुई थी ये मेरे मरने तक जो है तो इन गलतियों ने मेरा साथ दिया, इस बदकिस्मती ने मेरा साथ दिया।
तो इस तरह से जो है इस पोयम के अंदर हेनरी जो इस नज्म के पोएट है इन्होंने जो है एक जुड़वा होने की वजह से मजाहिया तौर पर कॉमेडी के तौर पर जो है तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उसकी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती है, उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे या लोग होते हैं जो जुड़वा होते हैं और हम भी अक्सर उनको पहचानने में गलतियां करते हैं। तो मजाहिया अंदाज में बड़ी अच्छी नज्म जो है द ट्विंस इस पोएट ने पेश की थी और ये था इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा और आप जो है मेरे इस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूं वो टेक्निक आपको कैसी लग रही है तो उसके बारे में जरूर अपने प्रेसियस कमेंट और सजेशन मुझे दे। आपके सजेशंस और कमेंट का इंतजार रहेगा और मेरे अगले वीडियोस पाने के लिए जो है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहे और जो है तो इसे अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें। देखते रहिए ई फॉर यू एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।